YouTube चैनल का कस्टम URL क्या होता है और कस्टम URL कैसे सेट कर सकते हैं और कस्टम URL बनाने का एलिजिबिलिटी क्या क्या है, जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आप देखते रहिए। कस्टम URL क्या होता है, जब अपना चैनल को किसी को भी अगर आप शेयर करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है www.youtube.com/channel/ लिख के ABCD 1 2 3 ऐसा बहुत कुछ नंबर लिखा रहता है, जो कि देखने में भी बहुत अजीब लगता है। अगर आप उसको आप याद करना चाहते हो तो याद भी नहीं कर सकते, और अगर किसी को भी अगर आप शेयर भी कर देते तो वहाँ पर कोई भी अगर क्लिक करना चाहते तो क्लिक करने से थोड़ा सा सोचता है कि किस चीज़ का ये लिंक है। लेकिन वहाँ पर आप अगर उसको कस्टमाइज कर लेते तो कैसा होता है कि www.youtube.com/channel/ लिख के आपका चैनल का नाम रहेगा, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक रॉक, तो वहाँ पर टेक रॉक रहेगा। तो उसको अगर मैं किसी को भी अगर शेयर करता हूँ तो क्या वो देख के उसको पता चल जाएगा कि किसी चैनल का लिंक है या किसी अच्छे चीज़ का लिंक होगा, तो वो उस लिंक पर क्लिक करेगा। तो कस्टम URL पाने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, कस्टम URL बनाने के लिए आपका सब्सक्राइबर 100 होना चाहिए और आपका जो चैनल है वो चैनल 1 महीने का होना चाहिए, और आपका चैनल पर एक प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए और आपका चैनल में एक आर्ट भी होना चाहिए। जब ये चारों चीज़ आपका चैनल पर होगा तभी आप अपना चैनल पर एक कस्टम URL बना सकते हैं। तो कस्टम URL सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ब्राउजर में जाइए और अपना चैनल को लॉगिन कर लीजिए। करने के बाद योर चैनल पर जाइए और कस्टमाइज चैनल पर जाइए, और यहाँ पर देखिए और एक आइकॉन है, यहाँ पर लिखा है कस्टमाइजेशन, तो आपको कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऊपर में और एक ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, नीचे लिखा है सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन में आपका जो चैनल है, चैनल का कस्टम URL पहले से बना हुआ है www.youtube.com/channel/ आपका चैनल का नाम, ठीक है। अगर इसमें अगर किसी कुछ ऐड करना चाहते हैं, किसी वर्ड या किसी नंबर को ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जो वर्ड या नंबर ऐड करना है ऐड कर दीजिए। करने के बाद साइड में क्लिक कीजिए, आपको अगर ब्लू टिक मिलता है इसका मतलब आपके लिए वो URL है, अगर ब्लू टिक नहीं मिलता है तो इसका मतलब पहले से किसी ने उस URL बना हुआ है किसी का है, तो आप उसको नहीं बना सकते, दूसरा कुछ आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद जो भी आपका मन है वहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, ब्लूटूथ मिल गया मतलब आपके लिए है। तो आप सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जो पब्लिश बटन है तो आपको पब्लिश पर क्लिक करना पड़ेगा, पब्लिश कर दीजिएगा तो आपका चैनल का URL बन जाएगा। अभी आप उस URL को याद करके मतलब आपका याद भी रह जाएगा, अगर आपको किसी को भी अगर शेयर करना है तो आप खुद ही टाइप करके शेयर कर सकते हैं कि www.youtube.com/ लिख के आपका जो चैनल का नाम है चैनल लिख दीजिएगा, बस शेयर हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपका चैनल का URL को देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि किसी चैनल का ही URL है, तो वहाँ पर वो क्लिक कर सकते हैं और आपका चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।